हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय बसखारी चैनल। दोस्तों आप मेरे पीछे पीछे देख रहे होंगे एक लंबा सा पेड़। आप सोच रहे हैं किस चीज़ का पेड़? दोस्तों ये ताड़ का पेड़ है, जो एक नारियल का विशेष प्रजाति का पेड़ होता है और इसमें ताड़ी निकाली जाती हैं। आज मैं आप लोग को इसके बारे में बताऊँगा, इसमें लोग कैसे चढ़ते हैं, कितना मेहनत लगता है। आइए मैं आप लोग को मिलवाता हूँ, दिखाता हूँ। दोस्तों ये ताड़ी निकालने वाले व्यक्ति हैं, अभी ये बताएँगे कैसे चढ़ा जाता है, कैसे निकाला जाता है। सर तो आप बताइए। सर दोस्तों ये चढ़ रहे हैं, देखिएगा एक पैर में रस्सी लगाया है, काफ़ी मजबूत रस्सी है और मेरे ख्याल से 3 मंजिला की ऊंचाई पे है ये। अभी देखिए कितने स्पीड चढ़ेंगे और कितने स्पीड उतरेंगे, आप देखते रहिए जाइएगा। हाँ सर, आप अपना काम करिए सर। देखिए ना, अपना काम करते रहिए, चढ़ते रहिए, देखते रहिएगा। दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा चढ़ चुके हैं, ताली निकाल रहे हैं, अभी ताली निकाल के आएंगे, आपको ताली दिखाएंगे और ताली कैसे होती है। आप लोग ताली देखे होंगे लेकिन आपको फेस टू फेस दिखा रहे हैं ताली कैसे होती है और कैसे चढ़ा जाता है, ये भी देख लीजिए आप। अगर आपको आपके घर के बगल पेड़ है तो आप चढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो एक मजबूत सी रस्सी पैर में बांधिएगा, मजबूत रस्सी बांध। हाँ प्रैक्टिस तभी करिएगा जब आपको विश्वास हो, नहीं तो आपके लिए खतरा हो सकता है, आपका पैर भी टूट सकता है, जहाँ तक कल की बहुत कुछ हो सकता है, एक हादसा भी हो सकता है। हेलो दोस्तों, एक छोटा सा घड़ा लेके चले थे उस पर जिसमें ताली लाते हैं, अभी उसमें उस पेड़ पे ऊपर कई मटकी लगाए हैं। अब जब मटकियों में जितनी ताली बटरी रही होगी वो सब ताली एक मटके में कलेक्शन करके इसके बाद नीचे लाएंगे। दोस्तों जो है जो ये ताली इकट्ठा एकत्रित होती है वो रात में या दिन में सब एक बूंद बूंद मिला के इकट्ठा होती है, ना कि ऐसे पानी की नुमाना इकट्ठा नहीं होती, सिर्फ बूंद बूंद से। इसके छिलके भी होते हैं दोस्तों, अभी आपको छिलका दिखाऊंगा। इसी छिलके से जब जितना छिलते हैं उतना ही निकलता चला जाता है। क्या छिलका है देखिए, ये अभी एकदम मुलायम छिलका है, अभी ताज़ा ही छिलका कटा है, आप लोग देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। इसको मैं महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी ठंड छिलका है ये। अभी आने दीजिए, अभी आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं। देखिए दोस्तों यहाँ से देखिए, यहाँ दोस्तों एक बड़ा सा गिरा है, आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका फल है, ये फल, ये बड़ा होकर ये ताड़ बन जाता है। आप नारियल जैसे नारियल देखते हैं वैसे ताड़ हो जाता है, और नारियल में भी क्या कहते हैं गरी रहता है, इसमें भी रहता है, लेकिन इसकी गरी जो होता है मार्केट में नहीं बिकता, लेकिन जो इसका ताड़ होता है वो फायदेमंद के लिए काफ़ी ठोस रहता है और पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद करता है। देखिए कितना स्पीड उतर रहे हैं दोस्तों, चढ़ना तो बहुत आसान है लेकिन उतरना काफ़ी कठिन है। अब वहाँ से आप किसी 3 मंजिले पर चढ़ जाइए और नीचे देखिए कि कितनी आपको झावर लगती है। अब ये लोग की कैपेसिटी और प्रैक्टिस है, निडरता है। तो दोस्तों आपको डर लगता है चढ़ने उतरने में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसको आपको अच्छी ट्रिक दी जाएगी चढ़ने उतरने की। तो सर आपको कैसा लगा चढ़ने में? चढ़ने में तो जो कि डर लगे करता है लेकिन का किया जाए। तो सर आप ये कब से कर रहे हैं? ये 1 महीना से। 1 महीने से कर रहे हैं। सर आप लोग का घर कहाँ है? बिहार। नाम क्या सर? नरेश कुमार। सर का नाम नरेश कुमार है, घर इनका बिहार। आपको आइए आपकी ताड़ी दिखाता हूँ, ये देखिए ताड़ी, ये ताड़ी इतनी स्वादिष्ट होती है, इसमें मधुमक्खियाँ भी इसकी साथ इसका चखती इसको चखती हैं। आइए आपको और दिखाता हूँ मैं। ऊपर जाने के बाद सर कैसा महसूस हो रहा था? बहुत तकलीफ लगता है, देखने पर लगता है कहाँ मैं पहुँचा हूँ। अच्छा, डर नहीं लगता सर आपको? बस खैर यही पीते हैं तो थोड़ा सा नीचे लखवे नहीं देखता हूँ नहीं। अच्छा, तो दो इनसे सुने हैं ये बात, और आइए आपको और लोग से मिलाता हूँ मैं इसके मालिक से। हेलो दोस्तों, इसको देखिए उतरते हुए कितने विक्रेता आ गए हैं। अभी आपको मिला आपको? अच्छा हाँ, वही हैं और भाई साहब और लोग हैं। आइए आपको मिला रहा हूँ मैं, अभी बताएंगे ये ठेकेदार सर। सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम राजेश है। सर का नाम राजेश कुमार है, अभी बताएंगे। बताइए सर कितना ताली निकल जाता है? लगभग 100 लीटर निकल जाते हैं एक दिन में 100 लीटर ताड़ी निकल जाती है। और सर ये ताड़ी जो है फायदेमंद पेट के लिए करती है? पेट के लिए है, गैस के लिए है, और केतुआ के लिए रही, ताकत के लिए है, ताकत के लिए। सर आपकी दुकान है कहीं? हमारी दुकान है, हम तो पीने वाले हैं, पेड़ उतरवा रहे हैं, अपना पी रहे हैं। अच्छा, तो सर ये आपका पूरा पेड़ है? हाँ। अच्छा सर का देख लीजिए। सर आप इससे इनकम भी करते होंगे, कमाई भी करते होंगे? तो नहीं, तड़िया बीच बिक्री थोड़ा कही जाते हैं, मालिक ले जाते कुल। अच्छा, मालिक ले जाते हैं। चाकू देख रहे हैं आप, इसे वो ऊपर अभी आपको दिखाए थे नहीं, उससे छिला जाता है जिससे बूंद बूंद ताड़ियाँ निकलती है और रात भर में घड़ा भर जाता है। और जो ताड़ी है 2 टाइम लगाया जाता है, शाम और सुबह।
और सुबह को काफ़ी ठंडी रहती है ताड़ी, जिससे पेट की फायदेमंद होती है। इसको पीने लिए पेट का गैस पाचन तंत्र क्रिया काफ़ी अच्छा रहता है। आइए दिखाता हूँ आपको ताड़ी। दोस्तों यहाँ देखिए ये मधुमक्खी है, इतनी स्वादिष्ट ताड़ी है कि इसमें मधुमक्खियाँ भी इसका चखा इसका मजा लेती हैं। जा रहा हूँ, देखिए इनसे मिलिए, इन सर से मिलिए। हाँ सर बताइए आप ये ताड़ी कौन? नाग बाबा पीते हैं नाग, ये ताड़ी नाग बाबा पीते हैं। आप दोस्तों से जानते हैं कोई डॉक्टर दांत लगाने बस कोई बचा नहीं सकता। मौर्या सेवा कोई बहन चोर। दोस्तों कुछ पल अपने पीयूष सर को देना चाहते हैं, पीयूष सर हमारे कुछ बताएंगे। तो दोस्तों जैसा कि शैलेश सर ने सब कुछ दिखाया है, पूरा लाइव आपको दिखाया है ताड़ी कैसे निकालते हैं, और जब निकाल चुके हैं उसको भी दिखाया है जिस मटके में निकाले हैं, और मालिक से भी बात कराई है आपकी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों एक चीज़ ज़रूर, आप चढ़ने का ट्राई ना करिएगा इस पेड़ पर, 3 मंजिला पेड़ है, अगर आप कहीं चढ़ गए खुदा ना खास्ता गिर जाएंगे तो खतरा हो सकता है। तो प्लीज़ दोस्तों ये ट्राई ना करिएगा चढ़ने के लिए, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।